गुड इवनिंग आप सभी को, मेरा नमस्कार। आज सच बताऊं तो बहुत गर्व का मौसम, मतलब काफ़ी गर्व का माहौल आज मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। 10 साल पहले मैंने असल में इसी मोमेंटम के जर्नी से अपना करियर की एक स्टार्ट की थी, अपने लाइफ की एक स्टार्ट की थी। बहुत ही फ्रेश सा, एक मासूम सा बच्चा था मैं 10 साल पहले। 2 साल मोमेंटम के साथ मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मुझे IIT खड़गपुर जाने का गौरव महसूस हुआ। वहाँ इस क्लासेस से सर लोग के साथ बैठ के चीज़ों को सीखने का मौका मिला और उनसे सिलेक्शन हुआ। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से सर लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर टीचर्स। इसी के साथ एक बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए और वो लोग जो आज यहाँ मेहनत कर रहे हैं उन सबके लिए भी होना चाहिए, राइट? मुझे लगता है कि आई बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आफ्टर सर ने इतनी बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी चीज़ें कह के गए हैं। एंड आई वुड बी नो कंपैरिजन जो उनकी नॉलेज है इन चीज़ों को लेके, लाइफ के बारे में जो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मेरी अपनी पूरी जर्नी में मुझे याद रहती है वो है एक मुंडे के उपनिषद का छोटा सा कोट है, सविद्या या वो मुक्त है, यानी नॉलेज इज वन विच लिबरेट्स एंड वॉट यू गेट हेयर। आप जो यहाँ पे अपने इस मुकाम पे हासिल करके जाते हैं, आप जब यहाँ से पढ़ाई करके IITs के लिए जब यहाँ से रीच करके जाते हैं, यू एक्चुअली लिबरेट योर सेल्फ। आप अपने आप को वो मौका देते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएँ एंड आप अपने आप को लिबरेशन का वो एक मौका देते हैं। इसी के साथ मैं आज यहाँ पे उन सभी बच्चों और उन माता पिता को एक बहुत ही भेंट देना चाहता हूँ, एक अपने तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को एक ऐसे पाथ पे लीड ऑन किया है जिससे उनकी लाइफ में एक डिसाइसिव चेंज होगा काफ़ी अच्छा। एंड उनके लिए आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट मेरी तरफ से। थैंक यू मोमेंटम फैमिली। ये जो 10 साल पहले ये जर्नी चालू हुई थी, दिस हैज़ व्हाट इट इज़ टुडे। आज मैं उस मुकाम पे पहुंचा जहां पे मैं लोगों को आगे जाके सर्व कर पाऊंगा। एंड दिस वाज पॉसिबल बिकॉज आई स्टडीड समथिंग फ्रॉम हेयर, आई रीच्ड अ प्लेस फ्रॉम देयर वेयर आई कुड गेट द एनवायरनमेंट टू स्टडी मच फर्दर। वो एक माहौल मिला मुझे वहां पे IIT खड़गपुर में कि मैं ऐसी किसी भी चीज़ को परस्यू कर पाऊँ, आगे इन चीज़ों को पढ़ पाऊँ। एंड मुझे सच में ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा मैं आप लोग को ऐसा क्या बता दूंगा जो सर नहीं बता पाया हूँ, बट हाँ मुझे लगता है हमारे टीचर्स को ये मौका देना चाहिए जो वो चंद शब्द आपके बारे में आप लोगों को कुछ कह पाएँ तो शायद आपके लिए ज़्यादा इम्प्रेसिव रह पाएँ। थैंक यू सो मच।